जय हिंद। तो मैं डीके यादव आपका फिर से डीके कैंपस में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? वैसे ही शानदार, जानदार और जबरदस्त। आज हम फिर से एक टॉपिक अगला लिए हैं, उसी में एक अप्लाइड मैकेनिक्स जो चैप्टर 3 चल रहा था मोमेंट वाला, ठीक है ना। तो उसमें हमने मोमेंट के बारे में डिफिनेशन मोमेंट का और मोमेंट्स के टाइप्स और उसके एग्जाम्पल बहुत सारे, मतलब बहुत बेहतरीन लेक्चर था। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते, ठीक है ना। वहाँ पर डिप्लोमा अप्लाइड मैकेनिक्स सेकेंड के नाम से प्ले लिस्ट होगा, वहाँ से जाके देख सकते, ठीक है। अब हम उसी में आगे बात करेंगे। तो अगला टॉपिक होगा वो होगा कि अवगुणों का ज्यामितीय निरूपण। ज्यामितीय निरूपण का मतलब कि जैसे मोमेंट है उसको हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट, मतलब ग्राफिकली कैसे। ज्योमेट्रिकल का मतलब समझते ना, ज्यामिति का मतलब किसी ना किसी त्रिभुज चतुर्भुज के हिसाब से हम कैसे उसको डिनोट कर सकते हैं, वही उसका क्या कहलाता है, अवगुणों का ज्यामितीय निरूपण कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस बात को हम आपको समझाएंगे, मतलब सबसे पहले इसको समझिए, ठीक है। उसके बाद हम इसको ग्राफ, मतलब यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख चुके हैं उसको क्या कहता है अवगुणों का ज्यामितीय निरूपण, और उसका प्रूफ भी करेंगे हम, ठीक है। दूसरी बात, इसी वीडियो में हम बैरिग्नान का थ्योरम बताएंगे। बैरिग्नान का थ्योरम समझिए कि अगर आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो बैरिग्नान का थ्योरम आपको आना चाहिए, या आप डिप्लोमा चाहे सिविल इंजीनियर हो चाहे मैकेनिकल इंजीनियर, अगर आप करते हैं तो बैरिग्नान का थ्योरम आना चाहिए। और बैरिग्नान का थ्योरम क्यों अप्लाई किया जाता है ये कोई नहीं बताता, ना तो बुक बताती है ना कोई बताता है। तो इसमें ये भी हम बात करेंगे कि बैरिग्नान थ्योरम क्यों अप्लाई करते हैं भाई, हम कहें अवगुण का मान बल इनटू लंब और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कहां भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगना ही है तो पहले ही लाइक कर लीजिए, और दोस्तों में हो सके तो दबा के शेयर करिए, महाकाल के आशीर्वाद से बोलते हैं ना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, सबसे पहली बात कि हम अवगुणों का ज्यामितीय निरूपण क्या करता है समझिएगा, कि जैसे अगर कोई किसी ये कोई बिंदु O हो गया, ठीक है ना, और कोई मान लीजिए कि बल F लगा है। कौन सा बल लगा है आपका? F बल लगा है, ठीक है। सीधे से मतलब इसका पहले हम समझाते हैं। तो अगर इस बल F का अगर हम इस बिंदु O के परितल अवगुण निकालें, तो मतलब कि यहां से हम क्या करेंगे, लंबवत दूरी लेंगे। यहां से क्या करेंगे हम, लंबवत दूरी लेंगे, ये लेते हैं ना। तो जो अवगुण होता है tau इक्वल टू कितना होता है, f और इनटू d। ये तो हम फार्मूला बेसिकली पढ़ चुके हैं कि tau इक्वल टू f इनटू d होता है। tau को टार्क भी बोला जाता है, ठीक है ना। लेकिन आप ये ज्यामितीय निरूपण क्या कहता है कि सर आप ये काम मत करिए, tau इक्वल टू f इनटू d मत करिए आप, ठीक है ना। आप सीधे सीधे क्या करिए कि इस बिंदु से इस बल के परिमाण, मतलब बल का परिमाण समझते हैं ना, मैग्नीट्यूड बोला जाता है बल के परिमाण का। मतलब जिसे एक बात और हम बताते हैं आपको कि आप सदिश राशि पढ़ोगे तो जो तीर की दिशा होती है ये सदिश की दिशा को प्रदर्शित करती है, मतलब डायरेक्शन को शो करती है, और जो इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है ये किसको प्रदर्शित दिखाती है, परिमाण को, यानी मैग्नीट्यूड को दिखाती है, ठीक है ना। किसी भी लाइन के जो डायरेक्शन तीर की दिशा होती है वो सदिश की दिशा को दिखाती है, क्योंकि फोर्स कैसा राशि है, सदिश वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो हम जो सदिश की दिशा होती है वो पूरे सदिश की दिशा, मतलब तीर की दिशा सदिश की दिशा को, और जो उसकी लंबाई होती है उसको परिमाण को शो करती है, ठीक है ना। तो समझिएगा, सेम टू सेम यही बात है कि भाई अगर यहाँ से यहाँ तक बल F को दिखाया गया है तो यहाँ से और यहाँ तक ही इसका क्या कहलाएगा, परिमाण कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये कहता है कि अब आप ये मतलब मत अपनाइए, ठीक है ना। आप सीधे सीधे क्या करेगी इसका इस मतलब कि इस बिंदु को O को इसके A सिरे, मतलब इस सिरे से, और ये मान लीजिए B सिरा हो गया, तो बिंदु O को इससे मिला दीजिए और एक इससे मिला दीजिए, ठीक है ना। अब इससे जो त्रिभुज बनेगा इसी का जो अवगुण का मान होगा इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दो गुना होगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, दो इंटू एरिया है आप त्रिभुज O A B। हमको उम्मीद है कि 5% समझ में आएगा होगा कि भाई कोई भी अगर बल हो और किसी बिंदु के सापेक्ष आपको मोमेंट निकालना हो, अवगुण निकालना हो, तो आप सीधे सीधे tau इक्वल टू f इनटू d भी कर लेते हैं, लेकिन ज्यामितीय निरूपण है तो कहीं ना कहीं त्रिभुज चतुर्भुज किसी ना एक आकृति के बारे में बात किया जाएगा। तो ये बोलता है ज्यामितीय निरूपण कि इसका जो अवगुण का मान होगा वो उस बिंदु से जिस बिंदु के परितः आपको अवगुण निकालना है, ठीक है ना, इस बिंदु O के सापेक्ष निकालना, तो O से ये बल के परिमाण के सिरे को, मतलब कि जो इसकी लंबाई है इस सिरे को मिला दीजिए, इससे जो त्रिभुज बनेगा उसी के क्षेत्रफल के क्या होगा, दो गुने के बराबर होगा। यही बात भैया जी हमने इस पर लिख रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम मिटाते हैं और इसका प्रूफ भी करते हैं आपका, ठीक है ना। बोर्ड पे देखिए हमने लिख रखा है कि किसी पिंड के किसी बिंदु O पर अवगुण, मतलब किसी भी बिंदु पर अवगुण का मान जो होगा उस बिंदु से बल के परिमाण के, देखिए यही लाइन हम आपको समझा रहे थे कि बल के परिमाण मतलब जितना बल का परिमाण लंबाई होगी उसकी, ठीक है ना, उसके सिरे को मिलाएंगे, किसको मिलाएंगे, परिमाण के सिरे को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है, मतलब जो भी त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज के क्षेत्रफल के दो गुने, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर दो गुने के बराबर होता है,
ठीक है ना। हम यहाँ पे देखिएगा एक यहाँ पे आकृति बना, सपोज करें कि एक बल एफ लगा है किसी बिंदु के, किसी पिंड के किसी बिंदु पे, ठीक है ना। और इस बिंदु ओ के सापेक्ष हमको क्या निकालना है, इसका मोमेंट निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ से बोलिएगा, अगर हम पूछे बोले यहाँ से देखिएगा लिख रहे हैं कि बिंदु बिंदु ओ के सापेक्ष, बिंदु ओ के सापेक्ष बल एफ का आघूर्ण, बल एफ का आघूर्ण यानी मोमेंट, ठीक है ना। सीबीएसई वाले लोग भी होंगे तो मोमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। बाकी आप लोग समझ रहे हैं, बिंदु ओ के सापेक्ष यानी रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलिएगा तो आघूर्ण इज इक्वल टू क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू बोलिए तो सीधे सीधे फार्मूला बोलिए, टाउ मतलब कि एफ बल और गुणे लंबा दूरी। अब लंबा दूरी यही होगा ना, मतलब जो दूरी मिनिमम वही लंबा दूरी कहलाती है। तो भाई आप यहाँ से इस पे लंब डालेंगे और यही हमने क्या मान रखा है, डी। तो बोलिएगा बल एफ हो गया और इनटू कितना हो गया आपका, डी, ठीक। अब टाउ इज इक्वल टू हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, एफ का मतलब क्या है कि एफ यहाँ से यहाँ तक लगा है तो कितना हो जाएगा आपका ए बी, इनटू डी क्या है तो डी आपका यही ओ और इसको मान लीजिए क्या हो गया आपका सी मान लीजिए, तो कितना हो गया आपका ओ सी। यहाँ से टाउ इज इक्वल टू दो से मल्टीप्लाई और दो से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब दो से गुणा और दो से भाग, तो ये कितना हो जाएगा ए सी, ठीक है। तो देखिए दो को कॉमन कर लीजिए, अभी एक बटे दो को इसके साथ लगा दीजिए, एक बटा दो ए बी और गुणे कितना हो जाएगा ओ सी। अब आप देख रहे हैं कि एक बटा दो ए बी क्या है आधार, ओ सी क्या है लंबवत ऊंचाई, और किसी भी त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल, चाहे किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एक बटा दो आधार गुणे लंबवत ऊंचाई, मतलब फार्मूला बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो सेम टू सेम एक बटा दो ए बी गुणे ए सी, ओ सी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं कि दो गुणे एरिया है आप किसका, एरिया है आप टोटल का ओ ए बी, ठीक है ना। तो ये जनरली अब देखिए इस ज्यामिति निरूपण का प्रयोग हम कहां पे करेंगे, बरिग्नान थ्योरम में करेंगे, ठीक है ना। और ये पेपर में पूछ लेता है, दो नंबर मार्क्स में आ सकता है आपका, ठीक है। तो हम उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि भाई ये क्या करता है घूर्ण का ज्यामिति निरूपण, कि कोनो बल है किसी बिंदु के सापेक्ष अगर आघूर्ण निकालना है तो उस बिंदु से उस बल के सिरे परिमाण, मतलब परिमाण के सिरों को मिलाइए, उससे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बने मतलब बनेगा उसी का कितना गुना होता है, दो गुना होता है। अच्छा लगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको बस वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, अगला हम क्या लेकर आ रहे हैं, बरिग्नान थ्योरम, क्या लेकर आए हैं, बरिग्नान थ्योरम, ठीक है। तो वीडियो को नोट करिए। तो देखिएगा हमने बरिग्नान थ्योरम बोर्ड पे लिख रखा है, ठीक है। तो बरिग्नान थ्योरम लिख तो रखे हम, ठीक है, लेकिन हमारा तो भाई मोटो है कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट समझाएंगे उसके बाद आपको ये थ्योरी बताएंगे, ठीक है। तो बरिग्नान थ्योरम क्या कहता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पेपर की दृष्टि से भी, आगे कंपटीशन की भी दृष्टि से, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसको मिस नहीं करना है, एकदम मजे देखना है, आनंद आ रहा आपको, चलिए अच्छा भी लग रहा होगा, देखते हैं। बरिग्नान थ्योरम क्या कहता है समझिएगा, कि जिसे कोई दो बल कार्य कर रहे हो, ठीक है ना, क्या कर रहे हो, कोई दो बल कार्य कर रहे हो, ठीक। तो इन दोनों बलों का कुछ ना कुछ परिणामी होगा भाई, आप बलों का समानांतर चतुर्भुज पैरेलल थ्योरम के अनुसार तो जानते ही है, समानांतर चतुर्भुज का नियम कहता है कि अगर दो बल कार्य कर रहे हो तो परिणामी होगा उन्हीं दोनों बलों के कटान बिंदु से होकर जाने वाले विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होता है। तो अगर कोई दो बल कार्य कर रहे हो और तीसरा उनका क्या होगा, परिणामी होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों बलों का अगर हम किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण निकालें, क्या निकालें, आघूर्ण निकालें, तो जो इन आघूर्णों का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग एक शब्द आता है, एलजेब्रिक सम बोला जाता है, देखिए बीजगणितीय शब्द, देखिए अगर योग है ना तो सीधा सीधा जोड़ना होता है, योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना, लेकिन बीजगणितीय योग का मतलब, एलजेब्रिक सम का मतलब होता है कि उसको चिन्ह के सहित जोड़ना, ठीक है ना, मतलब कोई प्लस में भी है कोई माइनस में भी है तो उन्हीं को जोड़ना ही क्या कहलाता है, बीजगणितीय योग, एलजेब्रिक सम कहलाता है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना आपको, ठीक है ना। योग का मतलब होता है सिर्फ जोड़ना, बीजगणितीय योग का मतलब होता है कि चिन्ह के सहित, साइन के सहित जोड़ना, ठीक है ना। अब समझिएगा, तो जो उनका परिणामी का आघूर्ण होगा, ठीक है ना, उन्होंने क्या बोला कि यदि किसी बिंदु किसी समतल में कोई दो बल कार्य कर रहे हो, ठीक है ना, तो उसी समतल में अगर किसी बिंदु O के सापेक्ष हम उनका आघूर्ण निकालें तो उस आघूर्ण का बीजगणित योग उनके परिणामी के आघूर्ण के क्या होता है, बराबर होता है। बस इतनी सी बात है, हम एक बार अभी हमको उम्मीद है कि सिर्फ आपको बात ये समझ में आई होगी, एक बार और सुनते हैं कि हमने बोला कि यदि किसी समतल में कोई दो बल कार्य कर रहे हो, सिर्फ दो बल, ठीक है ना, तो उन दोनों बलों का उसी समतल में स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष अगर हम आघूर्ण निकालें, मोमेंट निकालें, तो उसका जो मान होगा उनके परिणामी के आघूर्ण के क्या होगा, बराबर। बस इतनी सी बात करना है, हमने बोर्ड पे लिख के रखा है, अब इस बात को जब तक हम फिगर नहीं समझाएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब रही बात भाई कि दो बल कौन कौन से हो सकते हैं,
तो दो बल संगामी हो सकते हैं, संगामी मतलब कंसिक्वेंट बोलते हैं, एक बिंदु से पास हो सकते हैं, हमने बहुत सब अच्छे से बताया, ठीक है। या तो दोनों बल क्या हो सकते हैं, समानांतर हो सकते हैं, ठीक है ना, और या तो समानांतर में भी क्या हो सकते हैं, समदिश हो सकते हैं, सदृश, जिसको जिसकी दिशाएं सेम हो, समानांतर में भी क्या हो सकता है, दिशाएं सेम हो, और एक क्या हो सकता है कि समानांतर हो लेकिन दिशाएं क्या हो, विपरीत हो, यानी समदिश समानांतर हो सकते हैं और विपरीत दिश समानांतर, तो तीन केस बन सकता है, एक संगामी का, एक समदिश समानांतर का, एक समदिश विपरीत दिश समानांतर का, ठीक है ना। तो तीनों केसों के बारे में चूंकि देखिए बुक में देखे होंगे आप लोग की एक एक मतलब सिर्फ प्रूफ करके दे दिया, लेकिन हम दो दो चीज प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे, अगर संगामी बल हो, ठीक है, तो भाई जो बिंदु आप ले रहे हैं प्लेन में, वो बिंदु दोनों बलों के बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है, सेम कंडीशन समानांतर वाले में भी होगा और सेम कंडीशन विपरीत दिश समानांतर वाले में भी होगा, ठीक है ना। तो हम तीन जो केस इस प्रकार होगा और उसको डबल कर दे तो तीन दोनों का कितना हो जाएगा, छह। तो हम छह के बारे में बात करेंगे क्योंकि इसमें बुक में कहीं भी पेपर में किसी में से पूछ लेता है और एक प्रूफ करने के लिए देगा, पांच नंबर आपको दे जाएगा, ठीक है ना, बहुत आसान सा मेथड है, ठीक है, देखते हैं। तो हमने क्या बोला कि जब अब देखिए, अब यदि किसी समतल में, देखिए इस बात को लिख भी रखें कि यदि किसी समतल में कोई दो बल कार्य कर रहे हो, इन दोनों बलों का इसी समतल में स्थित किसी बिंदु के परिधि आघूर्ण का बीजगणितीय, आघूर्ण आप किसी बिंदु के सापेक्ष निकालिए और उसका बीजगणितीय, क्योंकि प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, ठीक है ना, इसी बिंदु के परिधि इन बलों के परिणामी के आघूर्ण के क्या होता है, बराबर होता है। परिणामी का मतलब कि जो उन दोनों बलों का परिणामी होगा उन्हीं के आघूर्ण के क्या होगा, बराबर होगा। देखते हैं, सबसे पहले हमने कंडीशन लिखा कि जब दोनों बल क्या हो, संगामी हो, तीन कंडीशन बताया कि तीन कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं, एक संगामी हो सकता है, एक समदिश समानांतर मतलब दिशाएं सेम हो और समानांतर हो सकता है, और एक विपरीत दिश समानांतर, तीनों के अलग अलग बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने बोला कि भाई संगामी होगा तो और बिंदु क्या हो सकता है, एक अंदर हो सकता है और एक बाहर हो सकता है, तो बिंदु लिख रहे हैं, बिंदु बलों के अंदर स्थित हो, कहां पे स्थित हो, अंदर हो, मतलब जो भी बिंदु अब लेंगे अब दोनों बलों के कवरेज क्षेत्र में आएगा, अंदर में आएगा, ठीक है ना। देखते हैं इसको थोड़ा सा, देखिएगा इसका हम फिगर ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। सपोज करिए कि कोई दो बल हो गए, और फिगर अच्छा बनाते हैं, कोई दो बल P और क्या हो गया आपका Q, ये P बल हो गया और ये कौन सा हो गया आपका Q हो गया, ठीक है ना, जो एक ही बिंदु से पास होकर रहे, देख रहे हैं कि इसी बिंदु से ये भी निकल रहा है और इसी बिंदु से, इसलिए ये कौन सा बल हो गया, संगामी बल हो गया। आप समानांतर चतुर्भुज के नियम से पढ़ते हैं कि भाई जो इनका परिणामी होगा इनके कंटान बिंदु से होकर जाने वाले विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होगा, इसका मतलब कि इसको जब हम मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं इधर आपका कट करना चाहिए। अब हमने बोला है कि जो बल हो इन दोनों बलों के अंदर स्थित हो, तो इस P बल और इस बल के अंदर कौन सा बिंदु, मान लीजिए A बिंदु कौन सा हो गया, O हो गया, लेकिन बिल्कुल एकदम आराम आराम से चल रहा है, ठीक है। देखिए ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु B हो गया, ये C हो गया, ये मान लीजिए कि D हो गया, और ये बिंदु कौन सा हो गया, O। A से हमने C को मिला दिया है, अब A से कुछ मत करिए, O को मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, O को मिला दीजिए। तो अब ये परिणामी ये क्या कहता है, नियम समझिएगा कि इन दोनों बलों का P और Q का इस बिंदु O के सापेक्ष आप क्या निकालिए, आघूर्ण निकालिए, इसको इससे भी मिला दीजिए, बिंदु B से भी मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इन P और Q बल का इसके सापेक्ष आघूर्ण निकालिए और उसका बीजगणितीय योग निकालिए, मतलब एलजेब्रिक सम करिए, तो उसका जो मान होगा इसकी कटान बिंदु से होकर जाने वाले परिणामी यानी R के आघूर्ण के क्या होगा, बराबर होगा। बिल्कुल बात अब आपको समझ में आएगी, देखिएगा हम लिख रहे हैं कि सबसे पहले बल P का बिंदु O के सापेक्ष आघूर्ण, ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से समझना आपको, ठीक है ना। तो आघूर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम टावन से दिखा दे रहे क्योंकि पहला बल का निकाल रहे हैं, तो टावन इक्वल टू कितना होगा, बोलेगा बल और इसके परिमाण से इस बिंदु को मिलाना, ठीक है ना, इस बल के परिमाण को इस बिंदु से मिलाएंगे, तो इस O से A को मिला है, इस B को मिला है, तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है, O A B, तो किसके बराबर होता है भाई, उसके क्षेत्रफल के दो गुने के बराबर होता है, तो कितना हो जाएगा 2, और एरिया ऑफ किसका, O A B का, एरिया ऑफ O A B, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात कि इसका चिन्ह क्या लेंगे, तो हमने एक बात और बताया था कि जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, बामा और आघूर्ण होता है, वो पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज मूवमेंट को क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो बोलिएगा
ये वाला बल ये इधर जा रहा है और इसको घुमाएंगे तो ये किस दिशा में घुमा रहा है, देखिएगा घड़ी के विपरीत दिशा में, तो ये क्या होगा पॉजिटिव। लेकिन ये वाला बल जो आपका जा रहा है जब इधर घुमाएंगे इस बिंदु O पे, तो ये कैसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, एक बार और सुन लीजिएगा क्योंकि कंफ्यूजन इसमें रहता है कि कौन सा एंटी क्लॉकवाइज और कौन सा क्लॉकवाइज। ये हेने जा रहा है हेन था घुमा दीजिए, हेने घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज देखिए विपरीत घूम रहा है इससे, ठीक है ना। और ये इधर जा रहा है इसको इधर से घुमा दीजिए क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये क्या होगा निगेटिव होगा। तो ये वाला पॉजिटिव और ये वाला क्या होगा निगेटिव। तो इसके आगे चेन कैसा लगा दे, प्लस लगा देना, ठीक है ना। फिर से ऐसे ही लिख रहे हैं बल Q का बिंदु O के सापेक्ष आघूर्ण tau 2, कौन सा अब tau 2 निकालेंगे तो tau 2 इज इक्वल टू कितना बोलिए, अब ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो माइनस हो जाएगा 2 और एरिया। अब इस बल के सिरे से कौन सा इस बिंदु को मिला रहा है, तो आप देखिएगा ये Q बल हो गया, इसके सिरे को एक बिंदु ये मिला रहा है और एक बिंदु कौन सा मिला रहा है आपका ये मिला रहा है, तो एरिया आप किसके बराबर हो जाएगा ADO, एरिया आप ADO, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम बोले कि इन दोनों को जोड़ लीजिए तो tau1 plus tau2 कितना हो जाएगा, तो एलजेब्रिक सम जोड़ेंगे इसको तो 2 एरिया ऑफ त्रिभुज चाहे वो ए बी लिख लीजिए एरिया ऑफ ओ ए बी और इसका चिन्ह माइनस है 2 एरिया ऑफ ए डी ओ, कोई दिक्कत नहीं। दो कामन कर लीजिए tau1 plus tau2 दो कामन कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए एरिया ऑफ ओ ए बी, आपने एक चीज और कही अगर समांतर चतुर्भुज पढ़े होंगे नियम, ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि समझ कर यहां समझिएगा कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है ना, तो इससे मान लीजिए इसी आधार से एक ये त्रिभुज बन रहा है और इसी आधार से अगर एक ये त्रिभुज बन रहा है तो इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बराबर होता है। मतलब अगर दो को त्रिभुज किसी समानांतर भुजाओं के अंतर्गत बना हो और आधार सेम हो तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है बराबर होता है। देखिएगा आप देख रहे हैं कि ओ ए बी इससे देखिए इसी आधार से ओ ओ ओ ए बी इसी आधार से बना है और ए सी बी मतलब कि इन दोनों में आधार क्या है आपका ए बी सी, मतलब ए बी है कि नहीं है, इस ए बी से एक त्रिभुज ए बी ओ बना है और इसी से एक ए बी सी बना है, इसका मतलब आधार सेम है तो इसका क्षेत्रफल इसके बराबर होगा। तो इस ए ओ बी के स्थान पे चाहे ओ ए बी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं ए बी सी, तो कितना हो जाएगा आपका एरिया या ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं है लिख सकते हैं। और इसमें कितना हो जाएगा एरिया या ए डी ओ, ठीक है। अब देखिएगा अब ए बी सी हो गया तो भाई ए बी सी का मतलब क्या, ए बी सी मतलब कि आधे भाग का क्षेत्रफल हमको पता चल गया, तो हम ये बताइए जो समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण होता है वो समानांतर चतुर्भुज को क्या करता है बराबर दो भुजाओं वाले दो बराबर क्षेत्रफल में बांटता है। इसका मतलब कि नीचे का क्षेत्रफल जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा ऊपर के क्षेत्रफल के, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ए बी सी के स्थान पे ये हो जाएगा tau 1 plus tau 2 is equal to 2 और ए बी सी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं ए डी सी, ए डी सी चूंकि एरिया छूट जा रहा है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ए डी ओ, ठीक। अब समझिएगा अगर हम tau 1 plus tau 2 इज इक्वल टू निकालना चाहें तो बोलिएगा ए डी सी में से ए देखिएगा ए डी सी इस पूरे में से अगर हम ए डी ओ घटा दे ए डी ओ मतलब ये वाला भाग घटा दे तो कौन सा बचेगा ए ओ सी, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ए ओ सी। और आप देख सकते हैं कि इस परिणामी बल R को इसके मतलब परिणामी बल को इस O से मिलाएंगे तो एक ये बनेगा, देखिएगा इसको हम डार्क कर रहे हैं आप, एक ये बनेगा आपका, ठीक है ना, और एक आपका ये बनेगा, ठीक है। तो एक त्रिभुज बन रहा है AOC, तो इसी के क्या होगा जो परिणामी का आघूर्ण होगा उस त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या होगा दो गुने के बराबर होगा। इस परिणामी से यही त्रिभुज बन रहा है और यही देखिए AOC आया, तो लिख सकते हैं कि इक्वल टू R1 का बिंदु O के सापेक्ष आघूर्ण, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें, बिल्कुल आ रहा है, देखिए तो हम ये भी लिख सकते हैं ना कि R1 का बिंदु O के सापेक्ष आघूर्ण। और यही बात लिखा है हमने, देखिएगा कि किसी यदि किसी समतल में कोई दो बल कार्य कर रहे हैं P और Q, तो इन बलों का अगर उस बिंदु O उसी समतल में O के सापेक्ष अगर आघूर्ण निकाला जाए उसका बीजगणित योग किया जाए मतलब tau 1 plus tau 2 किया जाए तो जो उसका परिणामी होगा R उसके आघूर्ण के क्या होता है बराबर होता है। देखिए R के R1 के आघूर्ण के क्या हो गया बराबर हो गया, ठीक है ना। तो ये पहला कंडीशन था कि जब बिंदु बलों के क्या हो अंदर स्थित हो। अब दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा कि बलों के क्या हो जाए अंदर न होकर के क्या हो जाए बाहर स्थित हो जाए,
कहाँ पे स्थित हो जाए, बाहर। बाहर का मतलब कि अब बिंदु ए ओ इधर ना होकर के कहाँ पे हो जाए, इधर हो जाए, ठीक है ना। तो इसको आप लोग करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, चाहे आप जो समझिए इसके मतलब कर सकते हैं थोड़ा सा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, हम एक पर्टिकुलर वीडियो इसके लिए प्रोवाइड कर देंगे आपको, ठीक है ना। तो अब पहला कंडीशन हो गया कि जब दोनों बल क्या हो, संघ बुक में एक ही दिया है बलों के संगामी हो, लेकिन हम दोनों बता देंगे, आप निकाल सकते हैं बिल्कुल सेम, बाहर यहाँ पे स्थित करके इसको मिला लेंगे, क्षेत्रफल क्या कर लेंगे बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो अपना फीडबैक दिया करिए, कमेंट करिए कैसा लगा वीडियो आपको, ठीक है। और अगला में अब हम संगामी का तो गया, एक तो समधि समानांतर का और एक विपरीत दिशा समानांतर का, दो का है इसमें ब्रैगनान थ्योरम आपको पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, नए अंदाज में नए उत्साह और उमंग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए चाहिए।